गाइस आज का जो ये वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। विशाल प्रसाद मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनके डिमांड पर ये वीडियो बन रहा है। वो कुछ दिन पहले ये सवाल उन्होंने मुझसे किया था, मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। सवाल ये था कि IRCTC में नई अपडेट, जो IRCTC का वेबसाइट जो अपडेट हो गया, अपडेट होने के बाद से अगर हमारे साथ 5 साल से लेकर के 11 साल के बच्चे अगर ट्रैवल करते हैं तो उनका हाफ टिकट जो होता है उसको किस तरह से हम बुक करेंगे। मैं आपको यहाँ पे और थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ इस बारे में। ये हालांकि मैंने पहले भी ये सारी बातें बताई हुई है लेकिन आज वीडियो बता देता हूँ। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रेलवे कोई चार्ज नहीं लेता है, लेकिन 5 साल से लेकर के 11 साल तक हाफ फेयर आपको देना पड़ेगा, यानी कि आधा टिकट। अगर आप पूरा सीट चाहते हैं तो आपको पूरा फेयर देना पड़ेगा अपने बच्चों का भी, 5 से लेकर के 11 साल तक। अगर आप आधा देते हो, आधा चार्ज देते हो, तो आप अपने बच्चों को अपने साथ आपको एडजस्ट करके अपना, मतलब आप अपने सीट पर अपने बच्चों को बैठाना और सुनाना, इसके लिए आपको अलग बर्थ नहीं मिले। तो अभी मैं आपको रेल कनेक्ट में नहीं, क्रोम में बताने वाला हूँ, यानी कि फोन के ब्राउजर में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको रेल कनेक्ट में जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना लूंगा। हालांकि मुझे लगता है कि आप शायद इसको देख के ही समझ लोगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो भी ऐसा ही बन जाएगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन का कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, जो ब्राउजर आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं हमेशा क्रोम यूज करता हूँ, तो मैंने क्रोम को ओपन कर लिया है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको IRCTC.co.in पर जाना है। तो चलिए मैं IRCTC को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही IRCTC ओपन होगा आपको लॉग इन कर लेना है। लॉग इन किस तरह से करना है, आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको लॉग इन के ऊपर ही क्लिक करना है। मैं हमेशा से बोलता हूँ, आप अगर साइड में इधर उधर क्लिक करोगे तो लॉग इन नहीं होगा। तो लॉग इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का एक पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना ID, पासवर्ड और कैप्चा देके साइन इन कर लेना है। तो मैं सबसे पहले साइन इन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये लॉग इन हो चुका है। लॉग इन होने के बाद आपको अपने स्टेशन फॉर्म पे, स्टेशन आप दे दे, मैं यहाँ पे हावड़ा दे देता हूँ। हावड़ा देने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ CST, यानी कि मुंबई। इसके बाद आपको अपना ट्रैवल डेट सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे कोई भी डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, फाइन ट्रेन पर। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा। जैसे फाइन ट्रेन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेनों की लिस्ट मेरे आ चुकी है। तो आपको भी फोन पे इस तरह से कुछ आ जाएगा। अब आप अपने जिस ट्रेन पे जाना है उस ट्रेन को सिलेक्ट कर लें, साथ में आपको किस क्लास में ट्रैवल करनी है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे AC 3 Tier को सिलेक्ट कर लेता हूँ और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद कुछ इस तरह का एक पेज आ गया जहाँ पे यहाँ अवेलेबिलिटी मुझे दिख रहा है। बुक नाउ पर क्लिक करते हैं। करने के बाद यहाँ पे कुछ मैसेज आया, यानी कि अगर आपकी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का मैंने सिलेक्ट किया था लेकिन ये लोकमान्य तिलक तक ट्रेन जाएगी, तो चलिए कोई बात नहीं, ओके पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये जो पेज है यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपको अपना नाम पहले दे देना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम दे देता हूँ। आपको अपना एज दे देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एज दे दिया। जेंडर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे सीट प्रेफरेंस में आप जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे एड पैसेंजर है। जाहिर सी बात है, जब आप बच्चों का टिकट यहाँ पे बुक कर रहे होंगे तो आप बच्चों को तो अकेले नहीं भेजेंगे, आप साथ होंगे। तो पहले आप अपनी डिटेल्स फिल कर लें, उसके बाद एड पैसेंजर पर क्लिक करें। और अगर कोई पैसेंजर्स है तो आप उनको भी दे दें, सबसे लास्ट में बच्चों को देने से मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अब आप अपने बच्चों के नाम दे दें, जो भी बच्चों के नाम है आप वहाँ पे नाम दे दें। नाम देने के बाद बच्चों का एज जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बच्चों का एज अगर आप 5 से लेकर के 11 साल तक देते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे आएगा। देखिए मैं यहाँ पे 5 साल देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं OPD चाइल्ड बर्थ ये आ चुका है। अगर यहाँ पे मैं 12 साल दे दूंगा तो ये चीज नहीं आएगी, या फिर मैं 4 साल दे दूंगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 साल से 11 साल तक के बच्चों के लिए लागू होता है। तो मैं यहाँ पे 6 साल दे देता हूँ। 6 साल देने के बाद ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब है अभी आपको पूरा बर्थ मिलेगा, यानी कि आपने इसको चेक किया हुआ है तो आपको पूरा बर्थ मिलेगा। अगर आप इसको चेक नहीं करते, यहाँ पे आप देख सकते हो नो बर्थ विल बी एलोटेड फॉर चाइल्ड एंड हाफ ऑफ द एडल्ट फेयरली चार्जेस, यानी कि जो पूरा किराया है उसका आधा चार्ज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा बच्चों के लिए, और आपको सीट नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को सीट नहीं मिलेगा यहाँ पे।
ठीक है, अगर आप इस चीज को यहाँ पे चेक कर देते हो तो आपको पूरा किराया देंगे, फुल फेयर विल बी चार्जेस इफ सीट वर्थ इज ऑप्टेड फॉर चाइल्ड, यानी कि बच्चे के लिए अगर आपको पूरा सीट चाहिए तो आपको पूरा फेयर यहाँ पे देना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसको चेक करके रखना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाओगे। बस बाकी आगे का प्रोसेस आप तो सब जानते ही होंगे, आपको बस पे कर देना है। इसी तरह से आप अगर चाहते हैं फुल सीट आपके बच्चे को भी चाहिए, सीट चाहिए मतलब आपके बच्चे को, तो आप यहाँ पे इस चीज को चेक कर ले, अदरवाइज इसको अनचेक कर ले। अगर आपको सीट नहीं चाहिए आप अपने साथ एडजस्ट अपने बच्चे का कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह से आप भी बहुत ही आसानी से कर पाओगे अपने फॉर्म। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब आपको देने के लिए। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाएगी। अगर अभी आप मुझे फेसबुक में देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी कुछ नई टेक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।